साथ में शिकार करने से सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन शिकार करना आसान नहीं है। दस कोशिशों में सिर्फ दो ही सफल हो पाती हैं। इन स्किल्स को ठीक से सीखने के लिए कब्स को अभी कई साल लगेंगे। अभी तो इनको न्यूट्रिशन सिर्फ दूध से ही मिलता है। पिप और दूसरे कब्स अभी भी दूध पीते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अपनी माँ का ही दूध पिएं। कब्स किसी भी फीमेल लाइन का दूध पी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ की तीनों माएं प्राइड के किसी भी कब को दूध पिला सकती हैं। हम अभी एक छोटे कब को देख रहे थे और वो एक एक करके सभी मदर्स के पास जा रहा था। आप इन सभी के बीच अटैचमेंट देख सकते हैं, और ये अटैचमेंट सिर्फ मदर और कब के बीच ही नहीं बल्कि सबके बीच आप देख सकते हैं, और ऐसा सिर्फ लाइन्स में होता है। दूध पीने के लिए पिप चक्कर लगा रहा है। पिप ने कुछ महीने पहले मीट खाना शुरू कर दिया था और कुछ हफ्तों के बाद ये दूध पीना बंद कर देगा। मदर्स ने अभी दूध ना पिलाने का फैसला किया है। कोई भी अपना दूध नहीं पिला रही। लेकिन पिप को यह बात समझ नहीं आ रही। कब्स की ज्यादातर देखभाल उनकी माएं करती हैं, लेकिन बाहरी दुश्मनों से सेफ्टी की जिम्मेदारी ये प्राइड के मेल लायंस पर छोड़ देती हैं। इस प्राइड को तीन बहादुर भाई कंट्रोल करते हैं, और इनके यूनिक हेयर स्टाइल की वजह से लोकल्स इन्हें पंक्स कहते हैं। पिछले साल ही इन्होंने इस प्राइड पर कब्जा किया है, और इन्हीं में से एक पंक पिप का फादर है। लेकिन ये मेल लायंस प्राइड से दूरी बनाकर रखते हैं। पिप अब उस उम्र में है जिसमें कब्स ज्यादा एडवेंचरस होते हैं। ये दूसरे कब्स से बड़ा है, और अपने भाई बहनों से पहले इसने दूसरे एनिमल्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, और ये इंटरेस्ट इसे अपने फैमिली की सेफ्टी से दूर ले जा रहा है। मदर्स अब आगे बढ़ना चाहती हैं और कब्स को धीमी आवाज से वापस बुला रही हैं, लेकिन पिप ध्यान नहीं दे रहा है। Amazon Prime Day। पिप को इस हल्की आवाज पर ध्यान देना चाहिए, मगर वो नई चीजें देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्राइड अक्सर खाने की तलाश में एक दिन में कई किलोमीटर तक चलता है, और कब्स को भी उनके साथ मूव करना पड़ता है। पिप अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है। एक आंटी उसका इंतजार कर रही है। आखिरकार पिप को बात समझ आ गई। बिप
बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसी जगह अकेले नहीं रुका जा सकता। क्योंकि लेपर्ड्स और लायंस एक जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, इसीलिए फ्यूचर के कंपटीशन को खत्म करने के लिए लेपर्ड्स लायंस के कब्स को मारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। लुआंगवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेपर्ड्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इन शांत से दिखने वाले शिकारियों की सोशल लाइफ लायंस से काफी अलग होती है। लेपर्ड्स नॉर्मली अकेले ही रहते हैं, सिर्फ रेयरली मीटिंग पीरियड में साथ में दिखाई देते हैं। पिप के बहुत नजदीक ही नेथन ने एक अजीब चीज देखी। दो लेपर्ड्स एक साथ। पिप की किस्मत अच्छी है कि इनका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। इसका नाम चिपस हुआ है और इसकी मां का नाम मलाइका है। बेटी कंटिन्यूअसली मां को फॉलो कर रही है। चिपजुआ नीचे है, मलाइका अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि चिपजुआ बड़ी हो गई है, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो हर जगह अपनी माँ का पीछा कर रही है और वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती। लेकिन दोनों के लिए ये जरूरी है कि चिपजुआ अब अलग रहकर अपना शिकार खुद करे। एक्चुअली एक टेरिटरी में लिमिटेड लेपर्ड्स ही रह सकते हैं, इसलिए माँ चाहती है कि उसकी बेटी एक अपनी टेरिटरी ढूंढे। अनफॉर्चुनेटली जंगल में ऐसा ही होता है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। चिपजुआ को जल्द ही अलग रहना होगा, वो चाहे या ना चाहे। अब इसे अपना शिकार खुद करना पड़ेगा। लायंस को हर कुछ दिनों के बाद खाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब कब्स छोटे होते हैं तो माँ को कैलोरीज की ज्यादा जरूरत होती है ताकि बच्चों को दूध पिला सके। आज बच्चों की माएं शिकार पर गई हैं और आलसी पिता पिप और दूसरे कब्स की देखभाल कर रहा है। देखिए वो थोड़ा इरिटेट हो रहा है। पिप और उसके भाई बहनों की अब वो एज है जहां उन्होंने खेलने के साथ साथ अब हंटिंग पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि जब भी वो किसी एनिमल को देखते हैं तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर जंगल में चल क्या रहा है। वाइल्डबीस्ट इनका फेवरेट शिकार। हालांकि कब्ज़ इस वाइल्डबीस्ट के छोटे झुंड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, मगर एक खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है। एक अकेला स्ट्रॉन्ग मेल बफलो इधर आ रहा है। ओ, वो देखिए जरा, उसके मुंह और पीठ से खून निकल रहा है। उस पर किसी ने अटैक किया है। मुझे दिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर कब्ज अभी भी उस पेड़ के पीछे हैं तो बफलो ने नहीं छोड़ेगा। बफेलोज बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत इजीली किसी भी लायन को मार सकते हैं। लेकिन बच्चों को सेफ रखने के बजाय फादर इन्हें अपने हाल पर ही छोड़कर निकल गया। अच्छा, बफेलो पेड़ की तरफ देख रहा है। कब्स को उससे छुपकर ही रहना होगा। कब्स इस बात को समझ गए और जरा भी नहीं हिले। ओ माय गॉड। बफेलो ने हमला नहीं किया, मगर खतरा अभी खत्म भी नहीं हुआ। पीछे से बफेलोस का एक बड़ा हर्ड आ रहा है और वो सीधे पिप की ओर बढ़ रहे हैं। अगर कब्ज उनके रास्ते में आए तो बफेलोस उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो अभी कब बाहर निकला है। पीछे से बफेलोस का एक बड़ा झुंड इसी की तरफ आ रहा है। बफेलोस के यहाँ पहुँचने से पहले पिप को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पिप टस से मस नहीं हुआ। दो बफेलोस पेड़ की तरफ ही जा रहे हैं। पिप को जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। Come on, पिप। Oh no. वो कब्स की तरफ जा रहा है। Oh God.
उसने कप्स को वहां से भगा दिया. ओके सेफ है. गॉड किस्मत से पिप बच गया और मदर्स के वापस आने से कप्स को ऐसी मुसीबत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा. इसे जान भी जा सकती है. पिप के प्राइड से 1 किलोमीटर दूर प्रिंस और जिगी ये दो भाई यहां घूम रहे हैं. ये दोनों भाई पिप के प्राइड के ही मेंबर्स थे लेकिन अपने छोटे कजन्स के मुकाबले इनका बचपन बड़ा मुश्किलों भरा था. पिछले साल इन्हें ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ी जिसमें सबसे ज्यादा कब्स मारे जाते हैं. प्राइड पर कब्जा करने की कोशिश में मेल लायंस ने बहुत से कब्स को मार डाला. दूसरे लायंस के कब्स को मारकर मेल लायंस प्राइड की फीमेल्स के साथ अपनी नई फैमिली शुरू करते हैं. प्रिंस और जिगी के भाई बहन इसी तरह के हमलों में मारे गए. इसीलिए इनकी मां अपनी कुछ बहनों के साथ प्राइड को छोड़कर भाग निकली ताकि बच्चे सेफ रह सकें. अब ये सबसे अलग थलग रहते हैं. इन फीमेल लायंस के 4 कब्स थे. 2 को एक मेल लायन ने मार दिया. इसीलिए अब ये फीमेल्स बचे हुए इन 2 कब्स को पाल रही हैं. ये बहुत ही अग्रेसिवली अपने बच्चों की है तो कई दिनों तक ये अपने बच्चों को ढूंढती रहती हैं. एक रिसर्च ग्रुप ने बच्चों की मां रोजा की सेफ्टी के लिए उसके गले पर एक ट्रैकिंग कॉलर लगाया है. प्रिंस और जिगी को शिकार के सारे स्किल्स सीखने में अभी 1 साल और लगेगा इसीलिए बच्चों को अभी रोजा की जरूरत है. प्रिंस की बॉडी पर अब स्पॉट्स काफी क्लियर हो गए हैं. मक्खियां उसे सेफ रहने के लिए स्पॉट्स की नहीं बल्कि स्किल्स की जरूरत पड़ेगी. अगर कोई दूसरा मेल लायन यहाँ आ गया तो वो इन बच्चों को मार सकता है या यहाँ से भगा सकता है. और प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों भी बहुत छोटे हैं, खुद शिकार नहीं कर सकते इसलिए इनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम है. यहाँ सिर्फ कब्स की जान को ही खतरा नहीं है, लायंस के बीच में रहना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है. हम इस वक्त अपना डिनर बना रहे हैं और पास में लायंस यहाँ पानी पीने आए हैं. कुछ यहाँ सामने से आए हैं, कुछ यहाँ पीछे बुशेज में से, और ऐसा लग रहा है कि हम हर तरफ लायंस से घिरे हुए हैं. एंड दिस इज रियली एक्साइटिंग. एक लायन तो सिर्फ यहाँ से 15 मीटर दूर होगा. क्या वो हमें देख रहे हैं? हाँ, बहुत मजे से देख रहे हैं. लगता है वो हमें देखकर एंटरटेन हो रहे हैं, है ना? रात के वक्त लुआंगवा में चहल पहल बढ़ जाती है. रात की इस दुनिया को तो सिर्फ थर्मल इमेजिंग कैमरा ही देख सकता है. इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे कैमरास हैं जो इतने अच्छे तरीके से इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं. ये कैमरा टेम्परेचर में आए थोड़े से चेंज को भी रिकॉर्ड करता है. ठंडे पेड़ डार्क ग्रे दिख रहे हैं. हॉट ब्लडेड बफलो हीट की वजह से व्हाइट दिख रही हैं. जबकि सिवेट अपने थिक कोट का इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए कर रहा है इसीलिए थोड़ा सा ग्रे है. प्रिंस और जिगी को अंधेरे में देखने के लिए किसी भी मदद की जरूरत नहीं है. इनकी आंखें रात में इंसानों से 8 गुना ज्यादा बेहतर देख सकती हैं. इसीलिए 75% शिकार सिर्फ रात में ही किए जाते हैं. सिर्फ लायंस को ही अंधेरे का फायदा नहीं मिलता.
बच्चे पद्जुआ जो घर नहीं छोड़ना चाहती थी आज अकेले शिकार पर निकली है। उसका ध्यान एक शिकार पर है। लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। खरगोश को रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है और यह चिपचिपा के जितना ही तेज भाग सकता है। चिपचिपा आगे बढ़ती है। रात के खाने का इंतजाम तभी हो सकता है अगर वो अपने शिकार को सही से चुने। यहां के कई जानवरों के लिए ये बबून्स पेड़ों पर अपने आप को काफी सेफ महसूस करते हैं। रात के अंधेरे में इनकी आंखें काम नहीं करती, ये कुछ नहीं देख पाते। इतनी ऊंचाई पर रहने की वजह से ज्यादातर शिकारियों की पकड़ से ये बाहर ही रहते हैं, पर सबकी पकड़ से नहीं। चिपचिपा पेड़ पर चढ़ना जानती है और वेट कम होने की वजह से ब्रांचेस पर भी चढ़ जाती है। लेकिन चिपचिपा रिस्क ले रही है, वो सब साफ साफ देख सकती है। सुबह के 5:30 बजे हैं। केटी ने कंफर्म किया कि कल रात को दिखाई देने वाले मेल लायंस इस इलाके के नहीं हैं। नेथन उस जगह जा रहा है जहां उसने प्रिंस और ज़िगी को आखिरी बार देखा था। लेकिन जब नेथन ने उन्हें देखा तो कब्ज अकेले नहीं थे। प्रिंस और ज़िगी अपने पुराने प्राइड से बस कुछ मीटर की दूरी पर बैठे हैं। इस वक्त सब लोग यहाँ पर हैं। प्राइड की फीमेल्स, वो फीमेल्स जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था, कब्स और तीनों पंक्स, सब यहाँ पर हैं। मेल लायंस की प्रोटेक्शन के बिना कब्स की जान पर खतरा बना रहता है, इसीलिए इनकी माँ रोजा इन्हें अपने पुराने प्राइड में शामिल। तीनों पंक्स में से कोई भी प्रिंस और ज़िगी का पिता नहीं है, इसीलिए वो उन पर हमला कर सकते हैं। बच्चों को बचाने के लिए रोजा को पंक्स का दिल जीतना होगा। अगले कुछ पलों में सब सामने आ जाएगा। सबसे बड़े पंख के अग्रेशन से नहीं लगता कि वो रोजा और उसके कब्स को प्राइड में शामिल होने देगा। रोजा ने खुद को पंख और कब्ज के बीच में खड़ा कर लिया है। अगर इस पावरफुल पंख को अपने कंट्रोल में करना है तो रोजा को बड़ी होशियारी से काम करना होगा। साइंटिस्ट ने हाल ही में पता लगाया कि लायनेसेस मेल्स से अलग ढंग से सोचती हैं। रोजा का दिमाग प्लानिंग और झांसा देने में माहिर है।
रोजा उसे अट्रैक्ट कर रही है, वो उसे दिखा रही है कि वो मेट करने के लिए तैयार है। इस वक्त जो हो रहा है देखकर लग रहा है कि वो मेल्स का ध्यान प्रिंस और जिगी से हटाना चाहती है। रोजा पंक का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। मेल शायद राजी हो गया है, लगता है रोजा अपने मकसद में कामयाब हो गई है। ये चाल काम कर गई, लेकिन दूसरी लाइनेसेस को यह सब पसंद नहीं आया। ये उनके मेल लाइन्स हैं और उन्हें दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते देखकर वो चल रही हैं। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ मेल्स पर अटैक किया। प्रिंस और जिगी पर भी हमला हो सकता है। पंक्स का ध्यान रोजा के कब्ज पर नहीं है और मौका मिलते ही वो उन्हें सुरक्षित जगह ले जाती है। रोजा को प्राइड में शामिल होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में गर्मी बढ़ गई है और टेम्परेचर 30 डिग्री पार कर चुका है। जानवर पानी के नजदीक आते जा रहे हैं। और एक दूसरे के भी। गर्मी के साथ आलस भी आता है। गर्मी में लायंस 24 घंटों में से 20 घंटे आराम करके बिताते हैं। लायंस बहुत ही लेजी होते हैं। वो कई घंटों तक एक ही जगह पड़े रहते हैं और जब सनसेट होता है तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो उठेंगे, पर कभी कभी और 6 घंटों तक सो जाते हैं। मगर पिप को गर्मी नहीं लग रही है, इसीलिए वो मस्ती में घूम रहा है। अब वो 6.5 महीने का हो गया है और दूध के लिए अपनी माँ पर डिपेंड नहीं करता है। अब वो सब कुछ जानना चाहता है। रात थोड़ी ठंडी है, टेम्परेचर 20 डिग्री। जानवरों को थोड़ा सुकून मिल रहा है। पिप और प्राइड के बाकी मेंबर्स थोड़ा बहुत एक्टिव हुए हैं। कब्स के लिए ये वाटर होल खेलने के लिए एक अच्छी जगह है। लेकिन एक बार फिर पिप घूमते हुए दूर निकल गया। प्राइड की सेफ्टी के लिए कोई मेल लायन यहां नहीं है। वाटर होल के पास और भी बहुत से ताकतवर और खतरनाक जानवर आते हैं। अगर कोई कब इस एलिफेंट के बच्चे के पास आया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और हिप्पोस सभी जानवरों में से खतरनाक होते हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। मां ने यहां से निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन पिप इस सब से बेखबर है। पिप अपने परिवार से अलग होकर अकेला दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहा है।
पांच घंटे बाद सुबह नेथन पिप और उसके भाई बहनों को देखने निकला। वो जल्द ही समझ गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। मैंने अभी अभी एक कप को अकेले भागते हुए देखा। वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जा रहा था, फिर मुझे दिखाई नहीं दिया, और उस वक्त प्राइड का कोई दूसरा मेंबर भी उसके साथ में नहीं था। पता नहीं वो कौन था। अगर वो पिप है और परिवार से अलग हो गया है तो वो कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है। वो बैठा हुआ है। हाँ, ये पिप ही है। पिप थोड़ा परेशान लग रहा है। दूर दूर तक उसकी फैमिली का कोई नहीं है। कई बार कब्स खेलते खेलते सो जाते हैं, और कभी प्राइड आगे निकल जाए तो कब उन्हें ढूंढ लेता है और फिर से उनके साथ मिल जाता है। ऐसा हमेशा होता रहता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन इस बार पिप पीछे रह गया। कुछ पूकू और इम्पाला उसे देखकर आवाजें निकाल रहे हैं। ये कब सिर्फ 6 महीने का है और इस वक्त पूरी तरह से अपनी मां पर डिपेंड करता है। ये बहुत अकेला फील कर रहा होगा क्योंकि ये कभी भी अपने प्राइड से अलग नहीं हुआ, और अकेले में इस पर कोई भी मुसीबत आ सकती है। जंगल में हाइनास, लेपर्ड्स और दूसरे लायंस कभी भी इसे जान से मार सकते हैं। ये सच में बहुत खतरे में है। आई थिंक अगर इसके प्राइड ने इसे अगले 24 या 48 आवर्स में नहीं ढूंढा तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाइना की आवाज आ रही है और पेपर बेबी, ओह लगता है वो भाग रहा है। छह महीने का कब खतरे से घिरा है। वे बहुत घबराया हुआ है। वो प्राइड की कमी को महसूस कर रहा है। वो कभी भागता है, कभी रुकता है, यहाँ वहां देखता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, बस अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। वो परेशान है। अपनी माँ की आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए वो माँ की स्मेल को ढूंढ रहा है। लायंस में सूंघने की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। एडल्ट लायन जहां भी जाते हैं अपने चेहरे, पंजे और पूंछ से स्मेल्स छोड़ते हैं, लेकिन पिप की स्मेल करने की शक्ति इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो अपने परिवार के पास पहुंच सके। सिर्फ मां की आवाज सुनकर ही वो प्राइड के पास पहुंच सकता है। लायंस इंसानों से 4 गुना बेहतर सुनते हैं और अपने रोटेट होने वाले कानों की मदद से लायंस 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर से अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। लेकिन लायन की दहाड़ तो 8 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। अगर पिप ने अपने कान खुले रखे तो वो अपनी माँ की आवाज सुन सकता है, लेकिन पिप उसका जवाब नहीं दे पाएगा। अभी पिप काफी छोटा है, उसके वोकल कॉर्ड्स भी डेवलप नहीं हुए हैं। इस हालत में पिप को अकेले छोड़ना मुश्किल है। मन तो कर रहा है कि उसे एक पपी की तरह उठा के वहां ले जाऊं जहां उसकी फैमिली के है। अकेले में पिप कभी भी खतरे से घिर सकता है। तीन किलोमीटर दूर केटी और गाइड पॉल को पिप का प्राइड दिख गया। वो रहे। कहाँ? वहाँ सामने। ओ, कब्स भी हैं। और माँ भी इनसे दूर नहीं है। ओ, ये क्या हो रहा है? देखो, देखो, देखो। Thank you.
फीमेल स्नेक बड़े बफलो का शिकार किया है। पिप को छोड़कर सारा परिवार खाना खा रहा है। पिप की माँ और आंट अभी उसे भूली नहीं है। वो बारी बारी उस इलाके में खोजती रहती है, मगर अभी तक उन्हें पिप की कोई सेंट नहीं मिली है। पास ही एक और खतरा मंडरा रहा है। तरफ जा रही है जहां पिप को आखिरी बार देखा गया था। सनसेट से कुछ पल पहले नेथन को पिप मिल ही गया। पिप उस जगह वापस आ गया है जहां वो अपनी फैमिली से बिछड़ा था। नेथन ने उसे 12 घंटे पहले यहीं पर देखा था। वो अभी भी अकेला है और रात में तो और भी मुश्किल होगी। देखते हैं हमारे पिप के साथ क्या होता है। अगर माँ पिप को ढूंढ ले तो उसकी जान बच सकती है। अगर ये लकी है तो दोबारा यहाँ आएगी जहाँ वो कल थी, तो पिप उसे मिल जाएगा क्योंकि ये जगह वहां से बहुत पास है। दिन रात में बदल गया मगर माँ नहीं आई। पिप दोबारा झाड़ियों में जाकर छिप गया। ये 6 कब्स मजे से अपना खाना खा रहे हैं। इन्हें तो अपने भाई के गुम होने की खबर भी नहीं है। मुश्किलों के बावजूद मां ने अपने बेटे पिप को ढूंढ ही लिया। कभी कभी यहां जो होता है उस पर विश्वास ही नहीं होता। इस हैप्पी एंडिंग को देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। दिन मुश्किल था पर अच्छा रहा। अगली सुबह प्राइड एक साथ है। पिप का पेट देखकर लगता है कि इसने भरपेट खाना खाया है। इसके अलावा पंक्स भी रात में वापस आ गए थे। फीमेल्स उनके आने से बहुत खुश हैं। हो सकता है कि खाना ही उन्हें यहां खींच कर लाया हो। पूरी फैमिली बहुत खुश है। मेल्स भी आए हैं। सारे कब्ज यहाँ पर सेफ फील कर रहे हैं। एक अच्छी फैमिली बॉन्डिंग नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिप अब अपनी माँ के साथ चिपका हुआ है, लेकिन ये खुशी का माहौल कभी भी बदल सकता है। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। और मुझे ये सब देख कर पिप को अपनी फैमिली वापस मिल गई। प्रिंस और जिगी भी अपनी मदर के साथ सेफ हैं। अभी जल्दी ड्राई सीजन शुरू हो जाएगा और इनकी टेरिटरी में शिकार करने के लिए ऑप्शंस काफी बढ़ जाएंगे। तब इनका फ्यूचर काफी सिक्योर हो जाएगा।